ओम शांति। 26/2/2021 मिठे बच्चे, संगम जुग रे तुम मानको नुआ एवं संपूर्ण भिन्न ज्ञान मिलुछि। तुम्हें जानिछो आमे समस्ते आत्मा माने अभिनेता अटु एवं जणंकर पाठ अन्य जणंक सहित मध्य समान नुहे। प्रश्न, माया उपरे विजय प्राप्त करिया पई तुम्हें रूहानी योद्धा बा क्षत्रिय मानको के उपाय मिल जाइछि? उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय माने, तुम्हें सर्वदा श्रीमत उपरे चलुथा, आत्मअभिमानी होई बाबा को मन पकाओ, प्रतिदिन सकाळु सकाळु उठे जोगयुक्त स्थिति रहिबार अभ्यास करि दियो, तेबे माया उपरे विजय प्राप्त करिपारिब। ओलटा सीधा अर्थात फालतु संकल्प ठार मुक्त करिपारिब। जोगयुक्त स्थिति रहिबार एहि मिठा उपाय तुमको माया जित करिदेव। गीत, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह मनुष्य मानक द्वारा रचित कविता अटे। यार अर्थ कही किसी भी जाणिना। भक्त मैंने गीत भजन आदि गाँव भगवान कर बहुत महिमा करु कि जाणिना। तुम मानक कौन सी महिमा आदि करार ना पाने पितांर के महिमा व गुणगान करती ना। बाबा जानी एम मोर सतान पाने एक जानते ये आमर पिता अटंती। एसबु हेला बेहदर कथा, तेणु समस्ते बेहदर पिता को मन पकाउछंती, ए पर्यंत मध्य मन पकाई आसुछंती। भगवान को कहुछंती, हे बाबा, जहांकर एहांक नाम शिव बाबा अटे। जेपरी आमे मैंने आत्मा, सेहीपरी शिव बाबा मध्य आत्मा अटंती। सी हेउछंती परमात्मा, जहांको सुप्रीम अर्थात परम कह जाउछि। तांकर आमे संतान अटु, तांको सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा कह जा। तो तांकर निवास स्थान केउठी? परम धाम रे। सबु आत्मा माने मध्य सेठारे थांती। आत्मा माने ही अभिनेता अटंती। तुमे जानिछो नाटक रे अभिनेता माने मध्य क्रमान्वय रे थांती। प्रत्येकंकर पार्ट अनुसार सेमानंकु सेतिके दरमा मध्य मिलिथाय। सेठारे अर्थात परम धाम रे मध्य जेउ आत्मा माने रहउछंती, समस्ते पार्ट धरि अछंती। समस्तंकु कम हेउ बा बेसी पाठ मिलिछि। आत्मिक बाबा आसी बुझाउछंती जे आत्मा मानक भितर किपरी अविनाशी पाठ निर्धार्य होइ रहिछि। सब आत्मांकर पाठ एकाभळी होइ पारिबो नाही, समस्तंक ठारे शक्ति मध्ये एकाभळी नाही। तुम्हें जानिछो सबुठारु उत्तम पाठ सेही मानकर जे माने शिवंकर रुद्रमाळारे प्रथम नंबर रे अछंती। नाटक रे जे माने भल भल अभिनेता थांती सेमानंकर केते प्रशंसा होइथाय। केवल तांकु देखियापाई लोक माने जानती, तेबे एहा बेहदर ड्रामा बा नाटक अटे जेउथिरे सर्वोच्च अभिनेता एकमात्र बाबा ही अटंती। तांकु सर्वोच्च अभिनेता, रचयिता, निर्देशक मध्य कहा जाए। सेमाने सबु हेले हद्र अभिनेता, निर्देशक आदि आदि। सेमानंकु निजर सीमित अभिनय मिलिछि। वास्तव रे पाठ आत्मा करिथाय, किंतु देह अभिमान कारणरु कहि देउछंती जे मनुष्य एभली पार्ट रही। बाबा कहुछंती सारा पार्ट आत्मार, एबे समस्त को आत्मअभिमानी हेबाकु पड़िबो। बाबा बुझाइछंती सत्य जुगरे समस्ते आत्मअभिमानी थांती, किंतु बाबा को केहि भी जानी न थांती। एठारे कली जुगरे तो आत्मअभिमानी मध्य नुहंती कि बाबा को मध्य जानी नांती। एबे तुम्हें माने आत्मअभिमानी हेउछ एवं बाबा को मध्य जानिछ। तुम ब्राह्मण मानक स्वतंत्र ज्ञान मिलुछे। एबे तुम्हें माने आत्मार परिचय पाई सारिछ जे आमे आत्मा माने अभिनेता अटु। समस्त को भिन्न भिन्न पाठ मिलिछे, जहाँकि जणकर पाठ अन्य जणक सहित मिसि परिबो नहीं। सेई पाठ मध्य सब आत्मारे ही रहिछे। एमिति तो जेउ नाटक सब तयारी करुछंती सेथिरे मध्य आत्मा ही पाठ करिथाय। भल पाठ मध्य आत्मा ही करिथाय। आत्मा ही कहिथाय, मु गवर्नर बा राज्यपाल अटे बा अमुक अटे, किंतु एमाने कहि केहि भी आत्मअभिमानी नुहंती। सत्य जुगरे जानी थांती जे मु आत्मा गोटे सर छाड़ी अन्य एक सर धारण करी, किंतु परमात्मा को केहि भी जानी न थांती। वर्तमान तुम्हें सबकिछ जानुछ। शूद्र एवं देवता मानक ठारु मध्य तुम्हें ब्राह्मण मान उत्तम अट। तेबे
एते सबु ब्राह्मण केउठु आसिबे जे कि सत्यजुगर प्रजा हेबे लक्ष लक्ष संख्यारे प्रदर्शनी को आस्थान्ति जो माने भल भावे बुझिले ज्ञान शुणिले से प्रजा होइगले। गोटे गोटे राजार बहुत प्रजा थांती तुम्हें माने प्रजा मध्य बहुत तयारी करिछ कहीं कहीं तो प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि बुझी मध्य बहुत भल पुरुषार्थ करथांती शिक्षा ग्रहण करती योग मध्य करती एबे सेमाने समस्ते आसिबे प्रजा मध्य आसिबे साहूकार प्रजा राजाराणी गरीब साधारण प्रजा समस्ते आसिबे। राजकुमार राजकुमारी मध्य बहुत हेबे सत्ययुग त्रेतायुग पर्यंत सबु राजकुमार राजकुमारी माने मध्य वर्तमान ही रचना हेबे। केवल आठ बा शहे आठ जन तो हेबो नाही वर्तमान ही समस्ते रचना हेउछन्ति तुम्हें सेवा करि चलिछ या मध्य किछि नुआ नहि तुम्हें कौन सी उत्सव आदि पालन करुछ ता किसी नुआ नुहे अनेक थर करिछ पुनर्बार संगम जुगरे मध्य ए धंदा ही करिबो आउ कौन करिबो बाबा मध्य पतित मानक पावन करिया पई आसिबे एहा को कुहा जाउछ विश्वर इतिहास भूगोल तेबे क्रमान्वय तो सब कथार थाए तुम भितर मध्य जे भल भाषण करंती तांको समस्ते कहंती ये भल भाषण करिले अन्यर भाषण शुणिले मध्य कहिबे जे पूर्वर सुनाउथिले से भल बुझाउथिले तृतीय व्यक्ति जदि तांको ठारु योग्य थाए तेबे कहिबे ये तांको ठारु मध्य भल बुझाउछंती तेबे प्रत्येक कथार पुरुषार्थ करिबाकु पडिथाए मु किपरि अन्य मानक ठारु आगुकु बढ़िबे बुद्धिमान पिला माने भाषण करिया पई तुरंत हाथ उठाइथांती एबे तुम्हें सब पुरुषार्थ अट आगुकु गले तुम्हें मेल ट्रेन अर्थात संदेश भाग होइजिबो जेपरि मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थिले ब्रह्मा बाबा विषय तो जना पड़िबो नहीं कारण दुई जन जाक एकाठी अच्छा तुम्हें जानपरब ना जे किए कहते तेणु तुम्हें सर्वदा मन कर जे शिव बाबा बुझाऊ बाबा एवं दादा उभय जानते किंतु शिव बाबा अंतर्यामी अटंती बाहरे बाहरे कहते ये तो बहुत बुद्धिमान अटे ब्रह्मा बाबा मध्य पिलामानंकर महिमा शुणी खुशी होती जदि लौकिक पितांकर मध्य कौन संतान भल भाव पाठ पढ़ी उच्च पद प्राप्त करे, तबे तार बापा भावे जे पिलाटी मोर नामक बहुत विख्यात करिछि ये माने ब्रह्मा बाबा मध्य भावुछन्ति जे अमुक संतानटी एही सेवा पई योग्य अटे तेबे मुख्य कथा हला भाषण करिबा काहाकु बाबांकर संदेश देवा ज्ञान बुझाइबा बाबा मध्य दृष्टांत देथिले जणंकर पांचटी पुओ थिले कहीं तक पचारे जे तुम केतोटी पुओ से उत्तर देले मोर दुईटी पुओ सी कहिले तुमर तो पांचटी पुओ से उत्तर देले से भितर सुपुत्र मात्र दुईज से हीपरी एठार संतान तो बहुत अच्छा किंतु बाबा कहिबे ए डाक्तर निर्मला कन्याटी बहुत भल बहुत स्नेहरे लौकिक पिता बुझाई सेन्टर खोलईदेला यही भारतर सेवा तुम्हें भारत को स्वर्ग करुछ रावण ही भारत को नरक रे परिणत कर देउछि केवल जणे सीता रावण रा बंदीशाला रे नथिला वास्तव रे तुम्हे सब सीता माने रावण रा बंदीशाला रे थिलो बाकी शास्त्र रे सब मनगढ़ा कथा लिखि देइछंती एही भक्ति मार्ग मध्य ड्रामा रे अछि तुम्हें जानिछ सत्ययुग ठारु ए पर्यंत जहा किछि अतिक्रांत होइ आसिछि ता पुणी पुनरावृत्ति हेबो निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी हेउछ बाबा कहउछन्ति मते आसी तुम मानको पूजारु पूज्य करिबाको पडिथाय प्रथमे सत्ययुगी पुणी कलियुगी हेबाको पडिबो सत्ययुगरे सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायणक राज्य थिला रामराज्य त चंद्रवंशी मानकर थिला वर्तमान तुम्हें समस्ते रुहानी क्षत्रिय अट जो माने युद्ध क्षेत्र रे थांती सेमानको क्षत्रिय कहा जाए तुम्हें हेलो आत्मिक क्षत्रिय सेमानको कहा जाए बाहुबलर योद्धा पूर्वर बाहुद्वारा मल्लयुद्ध होता है परस्पर लड़े कर विजय होते एवं तो देख बोमा आदि तैयारी हो गला तुम्हें माने मध्य क्षत्रिय से माने मध्य क्षत्रिय तुम्हें श्रीमतरे चली माया उपरे विजयी होछ तुम्हें हेलो आत्मिक योद्धा रूह अर्थात आत्मा ही शरीर कर्मेन्द्र मानक द्वारा सबकिछि करुछि आत्मा को बाबा आसी शिक्षा देउछन्ति पिला माने मते मने पकाइले तुमर माया ग्रास तुमको माया ग्रास करिबो नाही तुमर विकर्म विनाश हेब एवं तुमको ओलटा सीधा संकल्प आसिबो नाही बाबा को मने पकाइले मन खुशी रे मध्य रहिबो
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ଆପଣ କେତେ ମିଠା, ଆତ୍ମା କହୁଛି ବାବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ଅଟେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ଲୀଳା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ତ କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର, ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, କୁହାଯାଏ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ବା ପେଗମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ତ୍ତାବହକକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରୁ କେହି ବି ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା କେବଳ ଜଣେ ଯିଏକି ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉଭୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ ନା? ତୁମ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବଂଶ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା। ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆସି ଏହି ଦୁଃଖୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ବାବା ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସ, ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର, ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ଅଛି? ସେମାନେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ଘରର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳିଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ଉପରେ ଅଛି, ମାଳରେ ଫୁଲ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା, ଏହାକୁ ରୁଦ୍ରମାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୁଦ୍ରମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ରାଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିବେ ନା, ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କାଲି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିଯାଏ, ଗ୍ରହଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଆନ୍ତି, ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁନ୍ଥା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଏକଦମ ଭାଗନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା କିପରି ହେବ, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ହୁଏ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାଳା ଅଲଗା, ରୁଦ୍ରମାଳା ଅଲଗା। ଭକ୍ତମାଳାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମୀରା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ନାରଦ, ଏହା ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର୍କକୁ ଲାତ ମାରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ନିଅ, ଯାହା ତୁମର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏକଥା ତ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଏହିସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଏକଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଥିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚୟିତା, ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାରିବ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ କାହା ତାହା କିପରି ପାଇଥିଲେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ।
एबे बाबा बुझाउछंती से माने एही संगम जुगे राजयोगर शिक्षा ग्रहण करुछंती। गीतारे मध्ये राजयोगर वर्णना रहिछि, केवल गीता व्यतीत आउ कौनसी शास्त्रे राजयोगर कथा नाही। बाबा कहउछंती जे मु तुमको राजांक राजा करुछि, तेबे भगवान ही आसी नररु नारायण हेबार ज्ञान देउछंती। भारतर मुख्य शास्त्र हैला गीता, किंतु गीता केबे रचना करा जायथिला कथा केही भी जानि नाहंती। बाबा कहउछंती मु कल्पकल्पर संगम जुगरे आसे, जहांकु मु राज्य देइथिली समान राज्य हराई पुणि तम प्रधान दुखी होई जायछंती। कारण एबे रावण राज्य चलीछि, सबु भारतर ही कहानी अटे। भारत ही आरंभरु शेष पर्यंत रहुछि, आउ सबु धर्म त परे आसुछि। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु चौरासन्म रहस्य बुझाउछि। 5000 वर्ष पूर्वरु तुमे माने ही देवी देवता थिलो, तथापि मध्य निजर जन्म को जानिना। हे भारतवासी, बाबा तो अंतिम समय आसी, जदि आरंभरु आसी था तेबे सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को किपरि शुणी था। सेतेबेले सृष्टिर संपूर्ण बुद्धि ही होइ न थाए, तेणु बुझाइबे किपरि। तेणु बाबा एबे संगम जुगरे आसी ज्ञान देउछंती, कारण से ज्ञानर भंडार अटंती ना। तेणु तांकु ज्ञान शुणिबा निश्चित भाव शेष समय ही आसिबाकु पड़िबो। आदि समय आसी तुमको कौन शुणाइबे, ए सबु बुझिबार कथा। भगवान वाच, मु तुमको राजयोग सिखाउछि। एही विश्वविद्यालय पांडव सरकार अटे, वर्तमान हेउछि संगम जुग। यादव कौरव एवं पांडव वर्तमान ही उपस्थित अछन्ति, किंतु शास्त्र एमानंकु तीनोटी सेना रूपरे देखाइ दैछन्ति। बाबा बुझाउछंती यादव कौरव मानंकर विनाश समय विपरीत बुद्धि, जणे अन्य जणकु गाली दे चलीछंती, परमात्मा पितांक सहित प्रीति नाही। कहउछंती कुकुर बिराड़ी समस्तंक भितरे परमात्मा अछंती। बाकी पांडव मानंकर प्रीति बुद्धि थिला, पांडव मानंकर साथी स्वयं परमात्मा थिले। पांडव अर्थात रुहानी पंडा, अलौकिक ब्राह्मण, सेमान हेले शरीर पंडा, तुम्हें हल आत्मार पंडा। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सार है, एक नंबर, आत्म अभिमानी होई एही बेहद नाटक रे हीरो पार्ट करिबा को हेबो। प्रत्येक अभिनेतांकर पार्ट भिन्न भिन्न अटे, सेथिपाई कहार पार्ट को देखे ईर्षा करिबार नाही। दुई नंबर, सकाळु सकाळु अमृत बेळर उठी निजे निज सहित कथा हो, अभ्यास कर जे मु एही शरीर कर्मेन्द्रिय मानक ठारु अलगा अटे। बाबा आपण मते मिठा, आपण केते मिठा, आपण आमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ते। बरदान, सर्वदा देह अभिमान एवं देहर दुर्गंध ठारु दूरेई रहुथिबा इंद्रप्रस्थ निवासी हुअ। विस्तार, कथारे अछि इंद्रप्रस्थरे परिमाणक व्यतीत अन्य कौनसी मनुष्य निवास करिपारिबे नाही। मनुष्य अर्थात जे माने निजको आत्मा माने नकरी देह माने करंती, तेणु देह अभिमान एवं देहर पुरुणा दुनिया पुरुणा संबंध ठारु सर्वदा उपरे उड़ुथा। टिके भी मनुष्य अर्थात देहधारी पणियार दुर्गंध न आसु, सर्वदा देही अभिमान स्थिति रे स्थित रुह। जदि ज्ञान जुगर डेणा मजबूत रही थी तेबे कहुआजिव इंद्रप्रस्थ निवासी। स्लोगान, निजर शरीर मन एवं धन को सफल करुथिबा बा सर्व संपत्ति को बढ़ाउथिबा आत्मा माने ही बुद्धिवान अटंती। अच्छा, ओम शांति।